इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ने का आवेदन लिखेगा तो लिखेगा एक बोला हमको नहीं जाना है सर, विद्यालय नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लिखते हैं कि 2 बजे 11 बजे AM से 11 बजे AM से 2 बजे PM तक विद्यालय में नहीं रह पाऊंगा। तो क्या करना होता है, 12 AM का मतलब हो गया कि पूर्वाह्न, और 2 PM का मतलब हो गया 2 बजे अपराह्न, और AM का मतलब एंटी मेरिडियन, और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। पूर्वाह्न का मतलब होता है मध्य रात्रि, मध्य रात्रि मतलब 12 बजे रात्रि, मध्य रात्रि मतलब क्या होता है 12 बजे रात्रि, और 12 बजे रात्रि यानी कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से शुरू हुआ, ठीक है, 12 बजे के बाद शुरू हुआ, और दोपहर 12 बजे तक के पहले 12 बजे सुबह 12 बजे तो दिन का 12 बजे, रात का 12 बजे से शुरू हुआ और दिन के 12 बजे के पहले, है ना, 12 बजे के पहले तक क्या होता है, इस समय के अंतराल में जो समय हुआ उसको पूर्वाह्न तक, उसको क्या कहते हैं, पूर्वाह्न तक, पूर्वाह्न तक में अंग्रेजी में लिखा रहता है, हर जगह कहीं भी लिखा रहता है ये, तो ये का मतलब समझ आ गया है, उसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म जो होता है, ये का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, है ना। देखिए एंटी मेरिडियन कहाँ लगा है, जैसे सुबह अगर हम 8 बजे लिखते हैं तो सुबह क्या लिखेंगे, सुबह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, सुबह 8 बजे लिखेंगे, उसको एम लिखेंगे, आप पीएम लिखेंगे, ये एम लिखेंगे, है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल इस तरह से समझ में आना चाहिए। सुबह अगर 8 बजे हम बताते हैं तो ए एम लिखेंगे, सुबह रात्रि अगर लिखते हैं 8 बजे तो क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे, ठीक उसी तरह से एम के बारे में बतानी है। अब देखिए दोपहर 12 बजे दिन के बाद से मध्य रात्रि 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले, उसके बाद नहीं बोलना है, 12 बजे के पहले, जो है ना 12 बजे देखिए लिखा हुआ है मध्य रात्रि 12 बजे के पहले, है ना, तक के समय अंतराल को, उस समय के जो बीच में होता है समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल को अपराह्न लिखा रहता है, कहीं पे क्या लिखा रहता है, पीएम पर लिखा रहता है, पीएम पीएम लिखा रहता है, तो पीएम का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। अब फिर से इसको अगर याद करना है तो कैसे याद करना है, दोपहर 12 बजे दिन के बाद से मध्य रात्रि 12 बजे के पहले तक के समय अंतराल को अपराह्न अर्थात पीएम तक, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में पोस्ट मेरिडियन। जैसे दोपहर बाद 2 बजे ऐसे लिखना है, दोपहर बाद 2 बजे लिखना है तो इसमें पीएम अवश्य लगा, ठीक है, एकदम जरूरी है पीएम लगा, और इसी का अपोजिट रहेगा मध्य रात्रि 12 बजे के बाद शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे के पहले तक समाप्त हुआ, इसी समय अंतराल को पूर्वाह्न अर्थात एएम कहते हैं, ठीक है, इसको एएम कहते हैं, अंग्रेजी में इनको एंटी मेरिडियन कहते हैं, ठीक, इसको आप पहले भी एक बार बता चुके हैं, बहुत पहले बता चुके हैं, बात है, और आज भी बता रहे हैं, इसके पूर्व भी बताए थे, एएम और पीएम किनको कहते हैं, सर जब अनु सर था तभी,
सुबह अभी है, अभी कितना टाइम हो रहा है? मान लिया जाए 10, तो 10 बजे जो अभी 10 बज रहा है इसको क्या कहेंगे, एएम या पीएम? एएम। सुबह, सी सुबह का टाइम हो गया ये, है ना। सुबह लिखेंगे, अगर सुबह लिखते हैं 8 है, 8 बजे, तो इसको सिर्फ एएम लिखना, ठीक है। और दोपहर 12 बज गया, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मान लिया जाए 3 बजे का टाइम हम लेते हैं। हम लोग 6 बजे स्कूल को छुट्टी करते हैं, 3 इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए समय में क्या है, घड़ी पे रखने के लिए चलिए लिखिए। इसको लिखने का एक तरीका देखिए, यहाँ पे एक दो गिनती हो गया 3 और ये डॉट 0 है, ठीक है। अब 3 बजे हम क्या करते हैं, छुट्टी, और छुट्टी के बाद इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये एम लिखते हैं कि पीएम? पीएम है ना, ये कभी भूलिएगा नहीं, अभी नहीं भूलना है। तो एएम पीएम आप करना है, ये जीवन में बराबर ही काम आवेगा, ठीक। ये स्टूडेंट के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए पीएम एएम कहाँ लगेगा, अपराह्न पूर्वाह्न किनको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में पूर्वाह्न को एएम कहते हैं, यानी सुबह का टाइम, ठीक है। और अपराह्न को पीएम कहते हैं, यानी 12 बजे दिन के बाद, ठीक है। और ये 12 बजे रात्रि के बाद, 12 बजे रात्रि के बाद एएम। सुबह हम लोग मॉर्निंग में उठते 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, उसको एएम कहेंगे, ठीक है। और पूर्वाह्न इसको कहेंगे, ये लिखा हुआ है ना, और इसी को अपराह्न कहेंगे पीएम, उनके 12 बजे के बाद। समझ आ रहा है? सुबह 10 बजे को क्या लिखेंगे बताइए, आप बताइए। सुबह 10 बजे एएम की पीएम लिखेंगे, सुबह 10 बजे को एएम लिखेंगे। जैसे भी इलाज है ये समझ गया, आप नहीं समझ पा रहे, हल्ला करने के नाम नहीं समझ पा रहा है ना जी, बताइए। सुबह 10 बजे को एएम लिखेंगे या पीएम लिखेंगे? एएम लिखेंगे, आप बताइए। पीछे वाला बता, बताइए बहुत अलग कर रहे थे, अच्छा। और 12 बजे के बाद जब 2 बजेंगे तो 2 बजे को पीएम लिखेंगे या एएम लिखेंगे? पीएम लिखेंगे, है ना। आप बताइए सुबह 8 बजे या 8 बजे सुबह को एएम लिखेंगे या पीएम लिखेंगे? पीएम। वाह क्या बात, बगल वाले बोलिए सुबह 8 बजे को कितना लिखेंगे? पीएम। वाह, इसीलिए अलग कर रहे थे, उसके बगल वाले सुबह को 8 बजे क्या लिखेंगे? एएम। इनको इनसे सीखिए, समझ लीजिए कारण क्या है, अलग कर रहे थे जब बता रहे थे, अलग करते हैं ना। वाह हाँ, इसलिए हालात नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यार तो हिला है बार बार, अच्छा ये बराबर ही ले लेंगे। सुबह को टाइम जो होता है ना, सुबह टाइम जिस समय हम लोग उठते हैं उसको पूर्वाह्न कहेंगे और अपराह्न कहेंगे? पूर्वाह्न। अब हम ये आदमी को पूछेंगे वही बताएगा, है ना। बता बाबू उसको पूर्वाह्न कहेंगे या अपराह्न कहेंगे? पूर्वाह्न कहेंगे। आप बताइए बाबू साहब, आपको क्या कहेंगे? अच्छा छुट्टी जिस समय होएगा स्कूल में उस समय अपराह्न कहेंगे या पूर्वाह्न कहेंगे?